ये देखिए उद्धव ठाकरे की तस्वीर आप इस पे देख सकते हैं, संजय राउत की माता जी से मिलते हुए ये तस्वीर देखिए, परिवार के बाकी सदस्य भी बैठे हुए हैं साथ में। ये घर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल के बाद संजय राउत को अब कोर्ट ले जाया गया है और ये कुछ खास तस्वीरें जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक पर, ये देखिए सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाते हुए उद्धव ठाकरे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं संजय राउत की माता जी के साथ। देखिए हाथ जोड़ते हुए भी उनकी ये तस्वीर सामने आ रही है। संजय राउत के परिजनों से उद्धव ठाकरे मिलने के लिए पहुंचे हैं, संजय राउत के घर उद्धव ठाकरे पहुंचे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बेहद करीबी रिश्ते हैं इनके, और जब उद्धव ठाकरे भी सियासी संकट में फंसे थे तो संजय राउत मजबूती के साथ ढाल बनकर उनके साथ खड़े रहे, हर मुश्किल परिस्थिति में उनका साथ दिया। और आज जब संजय राउत एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं तो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ हैं, उनके परिवार वालों के साथ मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। ये देखिए परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए उनकी माता जी को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाते हुए कि वो उनके साथ हैं और हर मुमकिन कोशिश वो यही करेंगे कि संजय राउत को जैसे तैसे इस मुश्किल से बचाया जा सके। तो ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आज तक पर दिखा रहे हैं जब उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर पहुंचे, उनके परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। देखिए हाथ जोड़ते हुए उनकी माता जी के सामने उद्धव ठाकरे की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप आज तक पर देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर वो भी सामने आई थी जब संजय राउत अपनी माता के पैर छूते हुए नजर आए थे, और अब उद्धव ठाकरे संजय राउत की माता से, उनके परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात करते हुए नजर आए। हॉल में बैठे हुए दिखे थे, परिवार के अन्य सदस्य भी थे। उद्धव ठाकरे शिवसेना के अन्य लीडर्स के साथ पहुंचे हुए और ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब आज तक पर ही इन तस्वीरों को देख रहे हैं, संजय राउत के परिवार से, संजय राउत की माँ से उद्धव ठाकरे की मुलाकात, और मैसेज क्लियर है कि शिवसेना उनके साथ है, शिवसेना उद्धव गुट पूरी तरह से संजय राउत के साथ है, संजय राउत के साथ पार्टी खड़े हुए और उद्धव खड़े हैं। यही वजह है कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही घंटों के बाद उद्धव ठाकरे उनके घर पर उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंच गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताया जा रहा है कि की जा सकते हैं, जिसमें बड़ी बातें कह सकते हैं उद्धव ठाकरे, क्या क्या कहते हैं इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये राजनीतिक सर्कस चल रहा है, महाराष्ट्र में ये राजनीतिक सर्कस चल रहा है और लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ किसी भी वक्त कोर्ट में पेशी हो सकती है संजय राउत की, क्योंकि कोर्ट में पहुंच गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। इससे जुड़ा हुआ एक एक अपडेट लगातार आपको मिलने वाला है।